पत्नी के साथ स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे ग्रेटर नोएडा के एक बिजनेसमैन के साथ अजीबोगरीब घटना हुई। पति पत्नी को अबुधाबी एयरपोर्ट पर वहां की पुलिस ने रोक लिया और पत्नी को वापस भारत डिपोर्ट किया, जबकि बिजनेसमैन को अबुधाबी पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। वहां की पुलिस का कहना है कि एक अपराधी के साथ उनकी शक्ल मिलती है, जिसकी तलाश अबुधाबी पुलिस कर रही है। ग्रेटर नोएडा में हबीबपुर गांव की रहने वाली उषा शर्मा ने बताया कि उनके पति प्रवीण कुमार के साथ वो सीमेंट और स्टील का कारोबार करते हैं। अंबुजा सीमेंट कंपनी ने दोनों पति पत्नी को स्विट्जरलैंड के टूर पर भेजा था। ये दोनों थॉमस कुक टूर्स लिमिटेड के जरिए 11 अक्टूबर को दिल्ली से स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हुए थे। एतिहाद एयरवेज के हवाई जहाज से प्रवीण और उषा शर्मा को स्विट्जरलैंड जाना था। ये फ्लाइट बीच में अबुधाबी एयरपोर्ट पर रुकी। दरअसल इन लोगों को अबुधाबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से स्विट्जरलैंड के लिए दूसरी फ्लाइट पकड़नी थी। तभी अबुधाबी पुलिस ने प्रवीण शर्मा को रोक लिया। उनसे कहा गया कि आपकी शक्ल एक अपराधी से मिलती है। प्रवीण की पत्नी उषा शर्मा को अबुधाबी से भारत के लिए डिपोर्ट कर दिया गया। उनको जाना था स्विट्जरलैंड का, यहाँ से गए हम अबुधाबी। वहाँ जाके उन्होंने जैसी प्लेन रुका 11 बजे वहाँ जाके, तो उन्होंने तुरंत आवाज लगाई उसमें, प्रवीण कुमार बाहर आ जाओ। एक बार हमने सोचा हमारे तो कोई गुनाह नहीं, कोई मतलब नहीं, पता नहीं कैसे आवाज लगी, हमको कुछ नहीं पता आवाज क्यों लगे। दोबारा आवाज लगी, हम अच्छे खासे बाहर निकले और हमने पूछी क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि 2 CID वाले खड़े मिले कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तो इन्होंने पूछा कि क्यों क्या बात है, कि तुम्हारा फेस किसी से मैच कर रहा है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। हम दोनों इनके साथ चले गए और उन्होंने वहाँ जाके इनका पासपोर्ट ले लिया। पासपोर्ट लेने के बाद हमें नहीं पता उन्होंने अंदर जाके क्या जाँच करी, फिर इनको अंदर ले गई। जब बाहर आए तो मैंने पूछी क्या बात हुई, तो उन्होंने बताया कि मेरी आँखें चेक करी थी उन्होंने, और उसके 2 घंटे बाद उन्होंने हमें छोड़ दिया। हम अच्छे अपने वापस लौट के आए, जैसे ही हम एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो वहाँ पे फिर मशीन ने आवाज़ करी और इन्होंने हमें वहीं रोक लिया। अब किसकी तरफ से आप लोग गए थे? अंबुजा सीमेंट की तरफ से गए थे। इससे पहले कहाँ? इससे पहले भी जितनी बार गए अंबुजा सीमेंट की तरफ से गए। फिलहाल गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि मामले में विदेश मंत्रालय और दूतावास को बेल भेजा गया। अबुधाबी पुलिस को गलतफहमी हुई है और जिलाधिकारी ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर परिवार को जल्द राहत देने का आश्वासन दिया है। We'll be right back.